Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. पिछले सेशन में आपका जो इंग्लिश का पहला चैप्टर था वो आपको सर कमरे ने समझा दिया था, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम द लास्ट सर्मन, ये चैप्टर आपको समझा दिया गया था। इसके अलावा जो है वो अब हम इसका काम करेंगे और पहले फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हम कॉपी किस तरीके से मेंटेन करनी है, अपने रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन करना है। फर्स्ट पेज पे होगा आपका इंट्रो, आपका नेम, फादर नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, फर्स्ट पेज पे आपका इंट्रो होगा। सेकंड पे जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी और फेसबुक पे भी आपको रूल्स ऑफ राइटिंग दे दिए गए, वो रूल्स ऑफ राइटिंग आपने यहाँ पे लिखनी है। एंड सेकंड आपने मिड टर्म सिलेबस की हेडिंग डालनी है, मिड टर्म की सिलेबस की, और जो है मिड टर्म हैज बीन स्टार्टेड के हेडिंग डालनी है, उसके सिलेबस की हेडिंग है जो सर कामरान आपको पिछले सेशन में सिलेबस बता चुके हैं, आपका सिलेबस आपने लिख लिया होगा और वो कॉपी करने के बाद उसके बाद आपने अब यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग से शुरू करना है। एक पेज छोड़ना है वो जो आपको जो है डिक्टेशन आपको दिया होगा सर कामरान ने। अब हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे, इसकी सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग करेंगे। वर्ड्स मीनिंग आपकी जो है वो वीडियो पे आपको किसी कॉर्नर पे आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा हो, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के और समझा दूंगा, मैं आपको वहां से आपने कॉपी कर लेना है, टैली कर लेना है और समझ लेना सही तरीके से, उसके बाद उतारना है। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है अचीव, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है गेट और उर्दू मीनिंग है हासिल करना, मतलब किसी चीज को हासिल करना, अचीव करना या गेट मतलब लेना, किसी को हासिल करना। सेकंड पे है एंसेस्टर, इसका इंग्लिश मीनिंग है फोर फादर, उर्दू मीनिंग अबाव अजदाद, जो अबाव अजदाद होते हैं हमारे वो एंसेस्टर कहलाते हैं। थर्ड पे है अथॉरिटी, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है पावर और उर्दू मीनिंग है ताकत या इख्तियार, किसी चीज की ताकत होना या किसी चीज का इख्तियार अपने हाथ में होना, उसको अथॉरिटी कहते हैं। नंबर फोर्थ पे है बिलोंग, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेट, उर्दू मीनिंग है ताल्लुक होना, मतलब बिलोंग करना, किसी चीज से ताल्लुक रखना या रिलेट करना। उसके बाद है हमारा फेथ, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है बिलीफ और उर्दू मीनिंग है अकीदा या ईमान, किसी चीज पे यकीन रखना या अकीदा रखना किसी चीज पे। इसके बाद है फेथफुल, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है डिवोटेड और उर्दू मीनिंग है वफादार, फेथफुल होना किसी चीज से, किसी इंसान का या किसी भी चीज से वफादार होना, अपना फेथ रखना उस पर। उसके बाद है फॉरवर्ड, जिसकी उर्दू मीनिंग इंग्लिश मीनिंग है पास्ट और जिसकी उर्दू मीनिंग है साबका। उसके बाद है हमारा फुलफिल, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है परफॉर्म और उर्दू मीनिंग है पूरा करना, किसी चीज को कंप्लीट मतलब पूरा करना, परफॉर्म करना, पूरा करना। उसके बाद है ऑनेस्ट, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है ट्रुथफुल और उर्दू मीनिंग है ईमानदार, ईमानदार होना। उसके बाद है लास्ट जो है हमारा वो है ईविल, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है बैड और उर्दू मीनिंग है मतलब बुरा या बुरी, मतलब ईविल जो है बुरा या किसी चीज जो बुरी होती है जो इंसान के अंदर होता है, बुरा या बुरी उसको कहते हैं। उसके बाद अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। According to the exercise of this chapter, answer to the questions. There are 8 questions in this chapter to answer for. The first is when and where was Prophet peace be upon him born? As I already told you, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. The second question is to which tribe did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam belong? What did they believe in? The Prophet peace be upon him belonged to the noble family of Quraysh. They believed and worshipped idols and did not believe in one God. What did Prophet peace be upon him ask the Quraysh to do? नबी अकरम सल्लम ने कुरैश से करने के लिए क्या कहा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स एंड आस्क देम टू वर्शिप द वन एंड ओनली ट्रू गॉड। नबी अकरम सल्लम ने कुरैश को मना किया कि वो अपने झूठे खुदाओं की पूजा ना करें और सिर्फ एक खुदा को माने जो कि सच्चा है। Why did Prophet peace be upon him migrate to Medina? Nabi Akram Salam ne Medina kyu hijrat ki? Most of the people of Makkah refused to accept Islam ko कबूल करने से मक्का के ज्यादातर लोगों ने इनकार कर दिया। दे अपोज द न्यू फेथ एंड देयर बिटर अपोजिशन कॉज द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मच एगोनी एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल। उन्होंने नबी अकरम सल्लम के नए ईमान को कबूल करने से इनकार कर दिया और कड़वाहट में अपनी मुखालफत की। नबी अकरम सल्लम को इस मुखालफत की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। सो इन 622 AD प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड टू मदीना और इसी वजह से 622 ईस्वी में नबी अकरम सल्लम ने मदीना हिजरत की। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज हिजरा, वेयर डिड इट टेक प्लेस? हिजरा क्या है, उसने कहाँ हिजरा हुआ? In 622 AD, the Prophet peace be upon him accomplished by his faithful friend Hazrat Abu Bakr migrated to Medina.
यानी कि 622 ईस्वी में नबी अकरम अपने फेथफुल दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना हिजरत की। द काउंट इन इज नॉन इन हिस्ट्री एज हिजरा, और इसी वाक्य को तारीख में हिजरा कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए, हम फिल्म द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। फिल्म द ब्लैंक्स में नंबर वन जो हमारी फिल्म द ब्लैंक, इसका भी स्नैप आपके वीडियो में आ रहा हो, तो फर्स्ट पे हमारी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बिलोंग्ड टू द नोबल फैमिली ऑफ डैश ऑफ अरब्स। हमारे जो प्यारे नबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते थे, ताल्लुक रखते थे एक अमीर फैमिली से अरब। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? डैश ऑफ अरब्स। अरब की कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते थे? कुरैश की फैमिली से। सेकंड पे ही वाज बोर्न इन डैश एट डैश, वो पैदा हुए डैश एट डैश, मतलब वो कब और कहां पैदा हुए, ये दो डैशेज हैं। तो वो पैदा हुए 571 एडी में और मक्का में पैदा हुए। नंबर थर्ड पे है इन द डैश ईयर ऑफ हिजरा द प्रॉफिट टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स वेंट टू परफॉर्म हज। डैश साल हिजरत के डैश साल में हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स, अपने जो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके मानने वाले थे, वो उनके साथ उन्होंने हज किया। तो कौन से साल में हिजरत के? दसवें साल में, टेंथ है। उसके बाद फोर्थ पे ही सेड अनदर मुस्लिम्स आर डैश, उन्होंने कहा हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का डैश है, क्या है? भाई है, ब्रदर। फिफ्थ पे है अल्लाह इज अ डैश गॉड, अल्लाह डैश खुदा है, अल्लाह एक खुदा है, अल्लाह इज अ ओनली गॉड, अल्लाह सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। नंबर सिक्स पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द डैश प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, हमारे जो प्यारे नबी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के डैश नबी है। कौन से नबी है? आखिरी नबी है, लास्ट। इसके बाद अब हमारे एमसीक्यूज हैं, अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अब हमारे एमसीक्यूज हैं तो इसका भी स्नैप आपकी वीडियो पे आ रहा होगा। नंबर वन पे है बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम द क्रैश यूज टू वर्शिप। अब तीन ऑप्शन है, मून, गॉड्स और आइडल्स। इस्लाम आने से पहले कुरैश किसकी पूजा किया करते थे? चांद की, खुदा की या फिर बुतों की, मतलब मून गॉड्स या आइडल्स। तो वो आइडल्स की पूजा करते थे, बुतों की पूजा किया करते थे। नंबर सेकंड पे है नो अरब इज सुपीरियर टू डैश, किसी अरबी को किसी डैश पे फौकियत हासिल नहीं है। कौन किस पे फौकियत हासिल नहीं है? अनदर अरब, दूसरे अरबी पे, अ नॉन अरब, एक अजमी पर, और थर्ड पे है अ तुर्क, तुर्की पर, तुर्किश पर। तो अब थर्ड, अब जो सेकंड जो हमारा ऑप्शन है, किसी अरब, किसी अरबी को किसी अजमी पे फौकियत हासिल नहीं है, तो अ नॉन अरब। नंबर थर्ड पे है द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड इन हिज लास्ट सर्मन दैट ऑल द मुस्लिम्स आर डैश, हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था कि सारे मुसलमान दूसरे मुसलमान के डैश हैं, क्या है? ब्रदर्स टू वन एनदर, फ्रेंड्स टू वन एनदर, स्ट्रेंजर्स टू वन एनदर, दोस्त हैं, भाई हैं या फिर अजनबी हैं, तो भाई हैं, ब्रदर्स टू वन एनदर। नंबर फोर्थ पे है द इवेंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना इज कॉल्ड डैश। जो इवेंट है हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माइग्रेशन करी है, उस इवेंट को जो मदीना उन्होंने माइग्रेट किया था, उस इवेंट को क्या कहते हैं? मिराज कहते हैं, एडी कहते हैं या हिजरा कहते हैं? हिजरत कहते हैं, हिजरा। नंबर फाइव पे द होल ह्यूमैनिटी इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल या हजरत आदम। जितने भी इंसान है वो सब किसकी औलाद है, किसके ऑफ स्प्रिंग है? हजरत इब्राहिम के, हजरत इस्माइल के, हजरत आदम के, हजरत आदम के ऑफस्प्रिंग है सब। नंबर सिक्स पे है गॉड क्रिएटेड मैन फ्रॉम डैश, फ्रॉम डैश, खुदा ने, अल्लाह ने इंसान को किस चीज से बनाया? वाटर से, डस्ट से, फायर से, पानी से, मट्टी से या फिर आग से? मट्टी से बनाया, तो डस्ट है। सेवन पे है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन डैश, हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए किसमें, कौन सी सदी में पैदा हुए? सदी में 571 एडी, 572 एडी या 573 एडी? तो 571 एडी में हमारे प्यारे नबी पैदा हुए थे।
एक पैर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हज इन डैश, हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जब हज कब किया था, 10th हिजरा में, 9th हिजरा में या 8th हिजरा में? तो 10th हिजरा में हमारे प्यारे नबी ने हज परफॉर्म किया था। उसके बाद है हमारा माउंट अराफात इज नियर, जो अराफात की चोटी है वो किसके कहां पे करीब, किसके करीब है, मदीना के, मक्का की या रियाज की? मक्का के करीब है। और 10th जो हमारा आखिरी है, वी हैव द कुरान टू गिव अस डैश, हमारे पास कुरान है हमें देने के लिए, क्या डैश देने के लिए, विजडम, विक्ट्री या गाइडेंस, गाइडेंस देने के लिए हमारे पास कुरान है। अब इसके बाद इसका लास्ट जो काम है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, शॉर्ट नोट रह गया बस, अब शॉर्ट नोट करेंगे उसका। अब हमारा हम शॉर्ट नोट की तरफ चलते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट काम है उसका भी स्नैप आपकी वीडियो पे आ रहा होगा, तो शॉर्ट नोट मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट नोट स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही वाज बोर्न इन 571 AD एट मक्का, ही बिलोंग्ड टू द नोबल फैमिली ऑफ कुरैश। हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और वो पैदा हुए थे 571 AD में मक्का में, और वो कुरैश की बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। When he began to preach Islam, the people of Makkah turned against him and become his fierce enemy. जब उन्होंने इस्लाम की तबलीग करना शुरू करी थी, इस्लाम फैलाना शुरू किया था, तो मक्का के जो लोग थे वो उनके खिलाफ हो गए थे और उनके बहुत ही ज्यादा यानी दुश्मन बन गए थे। As they thought that Islam was against their gods and ancestors, क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि इस्लाम हमारे खुदा के, जो हम जिसको पूछते हैं उसके खिलाफ है और हमारे आबाओ अजदाद के खिलाफ है। देन ही माइग्रेटेड टू मदीना, उसके बाद हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए, मदीना चले गए। दिस इवेंट इज कॉल्ड हिजरा, इस इवेंट को हिजरत कहते हैं, हिजरा कहते हैं। इन मदीना द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी, ही रेज्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द 10th हिजरा। जब वो मदीना चलेगा तो मदीना में उन्होंने एक इस्लामिक सोसाइटी बनाई जहां पे औरतों को भी मर्दों के बराबर की इज्जत दी, उन्होंने उनका स्टेटस रेज किया, उनको बराबर की इज्जत दी 10th हिजरा में। तो ये था हमारा शॉर्ट नोट, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोग सही तरीके से वीडियोज देख के और जो स्नैप्स आ रही है उनको सही तरीके से समझ के चैप्टर को और उसके बाद उतारिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।